नमस्कार दर्शकों, कोक टॉक में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज फिर से एक और बार मौजूद है डॉक्टर संदीप डोगरा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सबसे पहले सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट आते हैं उनके बाद रिकवर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वीकनेस की बात करते हैं, तमाम ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिलती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए सर? देखिए, कोविड-19 जो डिजीज है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करती है, इन्वॉल्व करती है, और एक नया एक हमने ये चीज़ देखी है कि बीमारी होने के बाद, यानी कि कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी जो पेशेंट होते हैं वो कुछ लोग उसमें से पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके जिसे हम कहते हैं उसका शिकार होते हैं, और इसमें ये देखा गया है कि आदमी को काफ़ी ज़्यादा कमजोरी, थकावट और एक लिथार्जी, फेटिक जिसे हम कहते हैं, उसके लक्षण उसको काफ़ी देर तक रहते हैं। कई लोगों में अब डिपेंड करता है कि आदमी की अपनी इम्यूनिटी कितनी है या उसमें वायरल लोड कितना था या बीमारी कितनी सिवियर थी, ये सब फैक्टर्स के देखते हुए कुछ लोग इसमें जल्दी निकल जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी देर लगती है, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसे हम कोविड, पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं या पोस्ट कोविड कहते हैं। जी सर, कॉल ले लेते हैं, कॉलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हेलो जी, कहिए। हाँ जी, बोल रहे हैं, सुनिए, बोलिए। सर, मेरे ऐसा है, मेरे फ्रेंड अपने को वैक्सीन कराया था सर। जी हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। उसके बाद दो दिन के बाद थोड़ी बहुत मेरे बॉडी में पेन हो गई, उसके बाद सर में काफी दर्द होने लगा। जी कल दर्द होने के बाद मैंने खुद ही अपने लेवल पे टेस्ट कराया। जी टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव टेस्ट आया जी, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। हेलो जी जी जी, कहिए कहिए। हाँ जी, उसके बाद मैं तब से आज 8-9 दिन हो गए जी, सब कुछ सब्साइड हो गया जी। अभी आज मैंने फिर से घर में टेस्ट किया, दैट केम टू नेगेटिव जी, 9 दिन के बाद जी। क्या मैं अभी आइसोलेशन में ही रहूं? देखिए, मुझे लगता है अभी आपको 3 या 4 दिन के लिए और आपको अभी अपना होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, और उसके बाद जाहिर है कि आपने फर्स्ट डोज लिया है और आपका ये सवाल भी होगा कि आपको दूसरी डोज कब लेनी है इसकी। जी, अभी तो टाइम है। हाँ ठीक है, जी बिल्कुल। तो अभी आप पूरी तरह से पहले रिकवरी कीजिए, 3-4 दिन अभी आप अपना होम आइसोलेशन में रुकिए। जब आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे उसके बाद भी आप 1 महीने तक वेट करिए अपनी सेकेंड डोज लेने के लिए। जी जी जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से इनका ये भी सवाल था और मेरा भी ये सवाल है कि जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो ये चाहते हैं कि कोविड-19 में कितने प्रकार के टेस्ट हैं और टेस्ट जो है किस तरीके से करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए। जी देखिए, किसी भी बीमारी का जो डायग्नोसिस रहता है वो या तो क्लिनिकल होता है या लेबोरेटरी होता है। तो मोस्टली जो हम डायग्नोसिस जब करते हैं तो हम किसी ना किसी टेस्ट की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो कोविड-19 का जो डायग्नोसिस है वो 2 तरह के टेस्ट आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है जी। एक हम कहते हैं जिसे हम RT-PCR और एक हम जिसे कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट और RAT जी। ये दोनों टेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग है जी। इन दोनों टेस्ट की जो पावर है कोविड-19 को पकड़ने की वो भी अलग अलग है जी। RAT की जो पावर है वो थोड़ी कम है, RT-PCR की ज्यादा है। RAT जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जी। ये हम लोग जो इसका यूज़ है, हम एक लार्ज अपने सेटिंग में करते हैं, यहाँ पे हमें लोगों को स्क्रीन करना होता है, जैसे कि आपके रेलवे आपका हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, या कोई ऐसा एक एरिया हो गया जिसमें हमें जानना है कि यहाँ पे कोविड का क्या स्केल है। मतलब एक तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेस, जैसे जहाँ पे रश ज्यादा हो लोगों का, तो जो इसका सेंसिटिविटी है वो कोई 50-60 के बीच में रहता है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ केस मिस भी कर सकते हैं। और RAT की जो इंडिकेशन रहती है स्क्रीनिंग के लिए, खासतौर से उन लोगों में जिनमें लक्षण होते हैं, RAT की जो पावर है कोविड-19 को पकड़ने की बढ़ जाती है अगर इसको उन लोगों में किया जाए जिनको कोविड-19 के लक्षण होते हैं, उसमें ये इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जी। दूसरी बात हम करते हैं RT-PCR की। RT-PCR इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट जी। RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो RAT से ज्यादा होती है, 70-75-80% के करीब ये ज्यादा पावरफुल होता है कोविड-19 को पकड़ने के लिए, और ये कंफर्मेशन करता है अगर कहीं पे डाउट हो तो जी। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इन टेस्ट की जो अपनी एक जो लिमिटेशन ये है कि इनको अगर आप सही टाइम पे करोगे, जो कोविड-19 की बीमारी है उसमें टाइम का बड़ा एक रोल है इन टेस्ट की ऑप्टिमल पावर को देखते हुए।
तो जब किसी आदमी को इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से लेके जो डिजीज यानी कि जो उसके सिम्टम आते हैं, यूजली इस पे 5-6 दिन का इंटरवल होता है जब आपने इसको वायरस को एक्वायर किया, और जब आपको पहली बार जो लक्षण आए तो उस पे 4-5 दिन का जो इंटरवल होता है। और ये टेस्ट बेस्ट तब काम करते हैं जब हम इनको जब सिम्टम जब स्टार्ट होते हैं उस समय जो वायरस का जो लोड होता है वो हाईएस्ट होता है आपकी बॉडी में, तो उस समय चाहे आप रैड कीजिए चाहे आप आरटीपीसीआर करिए, दैट इज द परफेक्ट टाइमिंग टू गो फॉर दिस यू नो टेस्टिंग। तो जब लक्षण आते हैं किसी को भी, अगर किसी के कोविड के लक्षण है तो उसको इमीडिएटली कोई भी इन दोनों में से टेस्ट करना चाहिए। और दूसरा केस है जो इंडिकेशन है कि मान लीजिए आप किसी पॉजिटिव केस कंफर्म केस के कॉन्टेक्ट में आते हैं और एकदम जब आपको पता लगता है कि इस आदमी को कोविड था और मैं इसके साथ बैठा हूं, मैंने बात किया, मैंने खाना खाया, तो आदमी घबरा जाता है और वो उसी समय जाके अपना टेस्ट करता है। ये एक जो टेस्टिंग है हम इसको इसके हम खिलाफ हम ये कहते हैं कि इमीडिएटली पैनिक में आके किसी कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट में आके सेम टाइम पे सेम डे पे टेस्टिंग ना कीजिए। कॉन्टेक्ट की जो टेस्टिंग है उसके लिए कम से कम 5 दिन का वेट कीजिए। अगर कोई आदमी किसी पॉजिटिव सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आता है उसको अपनी टेस्टिंग जो है कम से कम 5 दिन के बाद करनी चाहिए, और उन 5 दिन में ही शुड गेट आइसोलेटेड। उसमें ये नहीं करे कि वो अपने घर में दोबारा से मिल जाए। यह एक रीजन है क्योंकि हमारे हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों में एक के साथ में बाकी मेंबर भी एक साथ में पॉजिटिव आ जाते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, नेक्स्ट कॉल भी ले लेते हैं। हेलो जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बोलिए। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए, आपका सवाल क्या है मैम? मैम 5 दिन से मेरे को ना फीवर आ रहा है तो मैंने दवाई ली 5 दिन से। हाँ हाँ, आपको बुखार है और आप दवाई ले रहे हैं, कब से बुखार है? ठीक है, कितने दिन हो गए बुखार हुआ आपको? जी तो आपका अभी जो बुखार है 5 दिन से आप जो दवाई ले रहे हैं और आपका बुखार कम नहीं हो रहा, मतलब 99-98-100 तक जा रहा है बस। इसके बुखार के साथ में कोई और तकलीफ? थोड़ी सी देखिए आप, मैं आपको देखिए 5 दिन तक बुखार तो नहीं रहना चाहिए, अगर मामूली बुखार होता है तो 5 दिन तक वो खत्म। आपने अपना टेस्ट करवाया क्या? नहीं, मैंने अभी नहीं करवाया। तो आपको सबसे पहले कल क्या करना है, कल आपको अपने आसपास का जो सेंटर है यहाँ टेस्टिंग होती है, कल आपको जाके अपना टेस्ट करवाना है कोविड-19 का। ठीक है जी। देख कोई बात नहीं, वैक्सीन के बाद में आपने वैक्सीन कब लिया है? मैंने 6 अप्रैल को लिया है। नहीं वो तो काफी देर हो गई है। हाँ, तो हाँ, आप जो है अगर 5 दिन के बाद भी अगर आपको बुखार रहता है तो आप एक बार अपना टेस्ट करवाइए पहले। अच्छा, अगर 5 दिन जी अगर 5 दिन के बाद फीवर नहीं होगा फिर? पर अभी आपको 5 दिन अगर आज हो चुके हैं तो पहले हमें देखना है कि बुखार, हाँ तो आप देखिए मामूली बुखार जो होता है वो 4-5 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है या दवाई लेने से कम हो जाता है। अगर 5 दिन के बाद भी अगर बुखार रहता है तो उसकी जांच करना जरूरी है कि क्यों हो रहा है। जी जी, तो बिल्कुल जहाँ पे सर हम ये बात कर रहे थे कि इमीडिएटली रश नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपने किसी कोरोना जिसको पॉजिटिव है उससे आपकी बातचीत हुई है या आप उनके कॉन्टेक्ट में आए हैं तो मैक्सिमम आप जिस तरीके से बता दी कि 5 दिन उसे वेट करना चाहिए उसका हम मैं चाहूँगा इनको ये हमें समझना है कि हम क्यों वेट करते हैं। देखिए उस आदमी में अगर इन्फेक्शन होता है अगर प्राइमरी केस से उसको भी 4-5 दिन लगेंगे उस वायरस का लेवल उस तक आने के लिए कि वो टेस्ट उसको पकड़ पाए। अगर वो 1 दिन के बाद ही अपना टेस्ट करवा देगा या उसी दिन करवा देगा जिस दिन उसको कंडक्ट हुआ है तो वो टेस्ट उसका नेगेटिव आएगा, हम टेक्निकली उसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं जी। अब ये जो एक गलत उसको विश्वास देगा कि मेरे को कोरोना नहीं है नेगेटिव है, पर एक्चुअली में टेस्ट की पावर नहीं है कि वो 1 दिन के अंदर उसको बता पाए कि उसको कोरोना है कि नहीं है। टेस्ट तभी अपना सही काम कर पाएगा जब वो 4-5 दिन का अपना इंटरवल के बाद में वो अपनी टेस्टिंग करवाएगा तो टेस्ट उसको बता सकता है कि उसको कोरोना है कि नहीं है। और इसका नुकसान ये है कि अगर वो जल्दी टेस्ट करवाता है तो उसको एक गलत वहम रहेगा अपने लिए और वो आगे अपनी फैमिली को फैला सकता है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कहिए क्या सवाल है आपका?
सर एक्चुअली मैं कोविड पेशेंट था जी सर, अब मैं ठीक हो गया। बढ़िया जी, नेगेटिव आ गया तो जी। अब मेरी पल्स रेट ज्यादा रहती है। देखिए आप पल्स का जो मेरी 110 तक होती है, 110 तो ज्यादा है, तो कई बार कुछ एंग्जाइटी होती है या कभी आप एक्सरसाइज कर या कहीं बाहर से अगर आप कहीं चल के आते हैं तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए आपकी पल्स रह सकती है ज्यादा, लेकिन अगर ये परसिस्टेंस रहती है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी जांच करवाइए किसी डॉक्टर से, ताकि इसका पता लगे कि ये परसिस्टेंस अगर रहती है तो क्यों रहती है, इसका पता लगाना जरूरी है। और फिलहाल ये भी देखिए कि क्या ये नॉर्मल पैटर्न है या कभी कभी रहती है इसे, और उसके बाद अगर रहती है तो इन दिनों जैसे मैंने चेक किया दस मिनट तो ऑक्सीमीटर मेरे पास है तो तब से मैं देखता हूँ 100-110 तक जाती है। 100 तक ठीक है, लेकिन 100 और 120 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी को दिखाइए डॉक्टर को अपने पास जी। सर मेरा एक और सवाल है कि ये भी बहुत सारा सुनने में आ रहा है या जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब देखने को भी आ रहा है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है ब्लैक फंगस की जो बात है वो काफी चर्चाओं में है, तो एक्चुअल में ये है क्या और किस तरीके से इंसान को होता है और वाकई में अगर किसे होता है तो कैसे उसे अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करना है? देखिए हम शुरू से कह रहे हैं दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है सेल्फ मेडिकेशन जी, और एक है ये जानना कि हर एक दवाई का कोई साइड इफेक्ट होता है जी, ये एक बेसिक चीज है जो हम सब जानते हैं। तो ये जो आप ब्लैक फंगस कह रहे हैं जिसको हम मिकोर माइकोसिस बोलते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन है जी। और ये हम देख रहे हैं आजकल जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल केयर में हैं, जो आईसीयू में हैं, और जो स्टेरॉइड्स पे जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो यूजुअली क्या है कि जब भी हम किसी को स्टेरॉइड देते हैं तो स्टेरॉइड्स उस आदमी का इम्यून सिस्टम जो है वो लोअर कर देते हैं जी। मिकोर माइकोसिस और ब्लैक फंगस जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि जब भी नॉर्मली जो अच्छे जो तंदुरुस्त आदमी हैं, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट आदमी हैं, उनको ये फंगस इन्फेक्शन तंग नहीं करते, लेकिन अगर किसी भी कारण किसी की जो इम्यूनिटी है वो अगर कम हो जाती है तो ये ऑपरचुनिस्टिक फंगस जो होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये देखा जा रहा है कोविड में, कोविड में जब हम किसी आदमी को स्टेरॉइड पे डालते हैं तो स्टेरॉइड जो है बाई नेचर उस आदमी की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं और उस केसेस में ये ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन उस पर हावी हो जाते हैं। बट इसकी मैनेजमेंट है, इसका एक ट्रीटमेंट है जो ऐसे केसेस में फॉलो किया जाता है, बट कोशिश होनी चाहिए कि हमें पहले ही इसका पता हो और इसका नॉलेज होते हुए इसकी मैनेजमेंट की जानी चाहिए जी। सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो जी कहिए, क्या सवाल है आपका? हेलो कॉल चेक कट गया। तो वही बहुत ज़रूरी है कि ये भी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये कितना ज़रूरी है कि जहाँ पे अगर आपको पता है आपकी फैमिली में ही कोई कोरोना पॉजिटिव है, देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो लापरवाही करते हैं कि हमें तो नहीं हो सकता कोरोना, जबकि आज सब लोग जानते हैं कि जहाँ महज इसे अफवाह समझ रहे थे आज देखने को भी मिल रहा है, तो वहाँ पे कितना ज़रूरी है कि अगर आपको पता है आपकी फैमिली में ही कोई व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, चलिए देखिए इंसानियत तो कहीं ना कहीं अपनी जगह है, लेकिन इसको फैलने से रोकने के लिए कितना ज़रूरी है उस शख्स का एहतियातों को बरतना? देखिए ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए आज की डेट में अगर हमने देखा कि फर्स्ट कोविड वेव में और सेकेंड कोविड वेव में एक डिफरेंस ये आ रहा है कि एक आदमी के इन्फेक्शन के होने के बाद में उसकी पूरी फैमिली के मेंबर, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों या एडल्ट हों, वो सारे के सारे एक लाइन में सारे पॉजिटिव आते हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो डिनाइल जी। कि अगर किसी को एक आदमी को इन्फेक्शन होता है वो इसको मानने की बजाय में हर एक एविडेंस देगा, हर एक लॉजिक देगा कि उसके कारण हुआ है उसके कारण हुआ है, वो मानता नहीं है शुरू में कि मुझे कोविड हो सकता है। डिनाइल एक साल के इस पूरी वेव के बावजूद भी आजकल हम ऐसे लोग देखते हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस में इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जितना वो डिले करते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में जब उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं और उसके बाद में जब वो टेस्ट करवाते हैं तब तक वो अपने घर में ये फैला चुके होते हैं। दिस इज द वन रीजन कि क्यों हमारे घर के जो लोगों के बाकी लोग भी जो हैं इसमें पॉजिटिव आते हैं। डिनाइल इज स्टिल ए प्रॉब्लम। मैं इस बार बार हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे इसको ये बोलते हैं कि अब सबको बच्चे बच्चे को मालूम है कि कोविड के लक्षण क्या है। तो आज की डेट में एक पेंडेमिक में एक बुखार अगर आपका नहीं जा रहा है, खांसी अगर आपको आ रही है, तो आपको पहले प्रूफ करना है कि वो कोविड नहीं है। यू हैव टू प्रूफ कि इट इज नॉट कोविड और समथिंग एल्स, और उसका एक ही तरीका है कि टेस्ट करवाइए, टेस्टिंग करवाइए जी। जी सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर जी कहिए जी सर अपना सवाल कहिए सर।
सर आप टीवी की वॉल्यूम जो है वो थोड़ी कम कीजिए सर, सवाल पूछिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। देखिए हाँ, ये जनाब ये ब्लैक फंगस जो है ये फंगल इन्फेक्शन है जो हम देख रहे हैं कि आजकल जो कोविड के मरीज होते हैं हॉस्पिटल में जो भर्ती होते हैं जिनका दवा चल रहा होता है उनमें ये एक नया इन्फेक्शन है जो देखा जा रहा है। पर घबराने की बात नहीं है, इसका भी इलाज है और जब भी एक हमें पता लगता है किसी मरीज में तो इसका हम इलाज करते हैं। ये देखिए ये जो हॉस्पिटल के मरीजों में पता लगता है टेस्ट करने से, जब भी कोई पेशेंट जो है स्टेरॉइड्स पे है कोई दवाई पे है और उसमें कुछ लक्षण ऐसे आते हैं कि हमें उसके जब टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन भी है कोविड 19 के साथ में, तो टेस्ट करने से पता लगता है इसका। आप ये आपको नहीं पता चलेगा, ये मरीज का जो जहां मरीज हॉस्पिटल में होगा उसका जो डॉक्टर जो उसको देख रहा होगा उनको मालूम होता है कि कब इसको देखना है और कैसे इसको देखना है। ये हॉस्पिटल वाले केसेस में देखा जाता है ज्यादातर। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसे ब्लैक फंगस की जो बात है ये बहुत ही फैल रही है, लेकिन जो डॉक्टर जिसके अंदर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं ये लाजिम सा है कि उन्हें पता ही होगा कि किस पेशेंट में ये है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि 100 लोग हैं तो 100 में से 100 को ही फंगस होगा। ये देखिए अब बात फिर आ जाती है इम्यूनिटी की। एग्जैक्टली, जिसका इम्यून लेवल कम होगा या बिकॉज ऑफ कोविड या मतलब बेसिकली कम होगा, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसी को अटैक करेगा जिसकी इम्यूनिटी कम होगी। अब इम्यूनिटी नॉर्मली भी कम हो सकती है या बिकॉज ऑफ कोविड भी कम हो सकती है या स्टेरॉयड लेने से भी हो सकती है, तो ये कॉम्बिनेशन है, कोई भी फैक्टर जो है इसमें हो सकता है। लेकिन बेसिक इसका जो टेनेंट है वो यही है कि फंगल इन्फेक्शन तभी होगा जब आदमी का जो इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी जो है वो किसी भी कारण से कम होगी। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आई गेस कॉल जो है पूरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से ब्लैक फंगस की बात हो रही है वहीं पे ये भी बहुत सारी क्वायरीज है, या हम कह सकते हैं लोग इसमें भी अब अफवाहें फैला रहे हैं कि जो 18 प्लस की वैक्सीनेशन है ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ठीक नहीं है, या जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम ये बोलते भी हैं कि ईजिली जो नेगेटिविटी है वो जल्दी ग्रैप कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ें लाने में लोगों तक बहुत मुश्किलें आती हैं, खास करके हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण ज़िले हैं जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है। तो क्या ये वैक्सीनेशन 18 प्लस की कितनी बेनिफिशियल है ये आप बता दीजिए। देखिए हमारे तीन फेजेस अब तक रहे हैं वैक्सीन के। पहला फेज था हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद में हमने 45 प्लस को इन्वाइट किया और अब हमने 18 प्लस को किया। जी। मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि जो रिस्पांस हमें 18 प्लस ग्रुप में दिखाई दे रहा है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग और वेरी वेलकमिंग रिस्पॉन्स है। आज की डेट में हमारे मोस्टली स्लॉट जो है वो बुक्ड हैं, बिजी हैं और काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं पूछने के लिए कि हम वैक्सीन कहाँ लगा सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारे सेंटर्स जम्मू से बाहर हैं, जम्मू के बच्चे, जम्मू के जो यंग जो हैं वो इनफैक्ट वहाँ तक जाने को तैयार हैं कि अगर वहाँ पे स्लॉट खाली हो। ये एक बड़ा अच्छी एक अवेयरनेस है, पर साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि कंसर्न्स भी हैं हमें साथ में, ये कॉल्स भी आती हैं कि उनके कुछ एप्रीशंस हैं कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। बट मैं आपको जैसे एक बड़ा कॉमन सा एक मिथ है रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, फीमेल्स की बड़ी सारी हमें कंप्लेंट्स आती हैं या क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये वैक्सीन किसी तरह से हमें डैमेज कर सकती है। देखिए मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगा कि मैंने पहले भी कहा कि 250-300 वैक्सीन्स के ट्रायल स्टार्ट हुए और 250-300 वैक्सीन के वेरियस फेजेस के ट्रायल के बाद में आज हमारे पास 7 वैक्सीन है। इतनी रिगरस टेस्टिंग के बाद में इन वैक्सीन को हर जगह पर टेस्ट किया गया, इनके साथ में जो भी इसके रिजल्ट थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग आए, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आज यूज़ के लिए आई हैं। तो आज की डेट में हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि ये वैक्सीन किसी भी तरह से इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। ये बिल्कुल ही एक बेसलेस मिथ है जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इसको आप सेफ्टी के साथ में मत लिंक करिए। दूसरा एक और क्वेश्चन हमें काफ़ी सारी मदर्स लेडीज क्वेश्चन करती हैं कि क्या मेंस्ट्रुएशन में पीरियड्स में क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं। अगेन मैं आपको बड़े क्लियरली बताना चाहूँगा आपके थ्रू ऑडियंस में कि हमारे पास ऐसा कोई भी एडवाइजरी नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल रिकमेंडेड है,
इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी जो जो लोग गर्ल्स हैं जो पीरियड्स में हैं वो इस वैक्सीन को सेफली ले सकती हैं। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो जी सर। जी जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है जी, मतलब कि आदमी जैसे कोई कोविड अभी पॉजिटिव नहीं है जी, तो उसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बेस्ट चीज क्या है? देखिए, इम्यूनिटी सबसे पहले तो आती है खान पान से। आप जितना पौष्टिक, जितना होलसम, जितना न्यूट्रिशियस खाना लेंगे वो आपकी इम्यूनिटी बनाएगा। आप जितना अपना पानी हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे उतना आपके टॉक्सिन वगैरह वॉश होंगे। तो खाना पीने का सबसे पहले जो है फोकस है इसके ऊपर है। इसके साथ में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, इम्यून बूस्टर ले सकते हैं। आजकल आपको मालूम है कि अलग अलग प्रोग्राम्स में रिकमेंडेशन आती हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, कुछ मेडिसिन हैं, विटामिन्स हैं, जिंक है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब का सब इनडायरेक्टली आपको आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती हैं। और ये हम रिकमेंड करते हैं कि इस कोविड के टाइम में जब इस बीमारी का आपकी बॉडी की जो आपका जो जो सिस्टम आपका इम्यूनिटी का उससे लिंक है, तो जितनी जो भी कोशिश हम इसमें कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें करनी चाहिए और हम भी एडवाइस करते हैं इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जब आदमी मतलब किसी आदमी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, इन केस उसको कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है जी, तो क्या उसको जो सेवेरिटी है वो कम रहेगी उस केस में? ये आपने अच्छा सवाल किया। ये भी देखा गया है कि कई बार वायरस जो है वो एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, बिकॉज हमारी अपनी एक बॉडी की इम्यूनिटी है और वायरस जो है उस कोशिश करता है उस बैरियर को क्रॉस करने का। तो कई लोग जो हैं उनमें ये जो इम्यूनिटी जो होती है वो एक हाइपर रिस्पॉन्स भी शो करती है जिसकी कई बार दिक्कत भी हो जाती है। लेकिन ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये इन सब के जो है इनकी रेमेडीज़ हैं, इनके हल हैं, और अगर किसी को ऐसा होता भी है तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल में जी। बिल्कुल, वही मेरा ये भी सवाल है कि मोस्टली जब से कोरोना आया है बहुत सारे लोग जो है पहले हेल्थ को लेके इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन इतना कह सकते हैं इस कोरोना ने कहीं ना कहीं उन आलसी लोगों को जगा दिया है जो सुबह आलस करते थे, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, डाइट को लेकर या वॉक करने को लेकर। तो कितना ज़रूरी है इस समय, जहाँ डाइट का हम तो ख्याल रख रहे हैं लेकिन साथ साथ अपनी बॉडी को हमें अपना उसका कितना ख्याल रखना है। और उसमें ये सवाल भी उठता है कि जहाँ पर जब सुबह वॉक के लिए निकलते हैं क्या उस समय मास्क पहनना इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि मोस्टली जहाँ लॉकडाउन चल रहा है अभी भी लोग वॉक के निकलते हैं और देखने को ये मिलता है कि तीन तीन चार चार लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मास्क को सिर्फ महज नाक के नीचे रखा होता है, वो समझते हैं कि सुबह ठंडी हवाएं चल रही है, पॉल्यूशन उतना नहीं है गाड़ियों का, तो वो कितना ज़रूरी है, क्या वो चेन को बढ़ा सकता है या उस समय हम कह सकते हैं चांसेस कम? पहले आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक इस पेंडेमिक ने हमें सबको समझा दिया है, बता दिया है कि हेल्थ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जी, जान से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपनी जान को किसी ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया, नहीं लिया। हम लोग इस दौड़ में कहीं ना कहीं अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं अपनी हेल्थ को लेके वो पीछे छोड़ देते हैं, चाहे वो हमारा खाने का तरीका हो गया, खाने का टाइमिंग हो गया, खाना पीना हो गया, जिस तरह का खाना बच्चे आजकल खा रहे हैं, जिस तरह का टाइमिंग हम लोगों ने रखा हुआ है, कहीं ना कहीं पे वो हमारी इम्यूनिटी को और हमारी हेल्थ स्टेट को अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे जो पेंडेमिक में ऐसे जो वायरस जो 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 ऐसे इन्फेक्शन है उसकी चपेट में आते हैं। तो हेल्थ इज़ ए यू नो प्रायोरिटी फॉर नॉट इवन अस, फॉर इवन स्टेट्स ऑल्सो। अभी इससे ज़्यादा कोई हमें क्या कोई बताएगा कि पेंडेमिक कंट्री को कितना डैमेज कर सकता है। वी हैव सीन कि जब हमने लॉकडाउन किए तो हेल्थ जो है वी हैव टू यू नो पे विद द हेल्थ, और जब हमने जो अपना देश खोला तो वी हैव टू यू नो दिस इट्स ए काइंड ऑफ ए कैश ओनली सिचुएशन। आप एक चीज़ बंद करते हो दूसरी वाली जो है वो आपके काबू में रहती है, उसको बंद करते हैं पहला वाला नहीं रहता है। तो हैविंग सेड दिस, दिस इज़ ए यू नो प्रायोरिटी फॉर ऑल एंड इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि हर एक फैमिली में हर एक आदमी को, बच्चे को, पेरेंट्स को, एल्डर्स को, दिस हैज़ टू बी ए न्यू प्रायोरिटी फॉर अस। जी, बात करेंगे कि मास्क की और खासकर ऐसी जगहों पे जो ओपन एरियाज, तो सेकंड वेव में और फर्स्ट वेव में एक तो डिफरेंस ये है कि वायरस थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है और ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो अगर किसी ओपन जगह में जाना भी है
तो आप मास्क पहन सकते हैं और उसको अगर आपने नहीं पहना तो जस्ट इंश्योर कीजिए एरिया आपका ओपन हो और आप किसी के साथ में क्लोज कॉन्टेक्ट में जो आपकी दूरी है वो कम से कम दो गज की हो। अगर मास्क अगर आपने पहना हुआ है और आपका ये जो आपका गैप है ये भी सेफ है तो डरने की बात नहीं है, बट कोई भी वी कांट गिव ए वन आंसर टू ए सिचुएशन। हर एक हालात अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली हमें ये समझना है कि वायरस जो है वो इंसान से इंसान में जाएगा, ये पेड़ पत्तों से नहीं जाएगा, किसी एनिमल से नहीं जाएगा, हमें इन्फेक्शन जो होगा किसी पॉजिटिव से ही होगा। अब इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी उस समय आपके पास चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए वो हमें फॉलो करनी है। तो एक ब्लैंकेट हम एडवाइस नहीं दे सकते कि कहाँ पहनना कहाँ नहीं पहनना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है और उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए हमें मास्क भी पहनना पड़ेगा, बिकॉज मास्क का अपना एक लेवल है सेफ्टी देने का, उसके साथ में आपका गैप जो है उसका भी अपना लेवल है और ये तीनों चीजें पैकेज में आती है। We have to follow all these three things, basic things together to decrease the risk of transmission, to decrease the risk of infection. जी सर, कॉल ले लेते हैं next. Hello. 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 आवाज नहीं आ रही शायद। तो वही एक और चीज देखने को मिल रही है सर कि जहां हम कह सकते हैं कि कुछ लोग अपने नुस्खे अपनाते हैं। सर कॉलर आए, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी बोलिए जी। मैं डॉक्टर साहब से बात कर सर। जी जी कहिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैंने वैक्सीन तीन महीने को किया था। वैक्सीन लिया था आपने? हाँ जी जी। तो उसके बाद मुझे आज तक बॉडी दर्द में बहुत हो रहा है। आपको वैक्सीन लिए कितने दिन हो गए? तीन में दस दिन हो गए। दस दिन हो गए जी। जी सर, देखिए अक्सर कुछ लोगों में वैक्सीन लेने के बाद में माइल्ड से साइड इफेक्ट रहते हैं, कईयों को जल्दी वो निकल ठीक हो जाते हैं, कईयों को थोड़ी देर लगती है, लेकिन कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो बॉडी एक्स होगी या दर्द होगी ये धीरे धीरे जो है नॉर्मल बिल्कुल हो जाती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपको कभी दर्द ज़्यादा लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप अपने पैरासीटामोल ले सकते हैं इसके लिए, अदरवाइज घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। वेलकम वेलकम जी। बिल्कुल वही जिस तरीके से मैं बात कर रही थी घरेलू नुस्खे की, क्योंकि आपको पता है कि सर जहाँ पे घर के नुस्खे बहुत सारे लोग अपनाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आजकल देखने को मिल रही है कि जो लेमन जूस है, कुछ लोग जो है वो नोज में उसे डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है? क्योंकि मोस्टली लोग उसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए कई बातें हमारे जो बुजुर्ग बोलते हैं उसके पीछे कोई साइंस होती है और हमें कोई दिक्कत नहीं है उनको एक्सेप्ट करने में, लेकिन बेसलेस अनसब्सटेंशिएटेड अनसाइंटिफिक चीज़ों को एक्सेप्ट करना, आपने सुना होगा कि ये जो आपने बताया इससे कई लोगों की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमें वी हैव टू यूज़ अवर रीजनिंग, हमें अपने ये पता होना चाहिए कि क्या वो इसका बेसिस है। अगर आप कोई फॉर्मूला है आपका, आप लोग काढ़ा की बात करते हैं कि काढ़ा पीना चाहिए, पिछले साल में ये बड़ा बहुत चीज फैली थी और लोगों ने बना बना के हमने बार बार इस चीज को कहा है कि आप काढ़ा को COVID-19 का जो इलाज मत समझिए, लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसको पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, यू आर फीलिंग हेल्दी, तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट अप्रोच है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि काढ़ा पीने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो गलत हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हर एक जो बातें जो हमारे बड़े कहते हैं उनके पीछे एक साइंस अगर है, रीजनिंग है, और वो अगर साइंटिफिक जो के साथ में अगर मेल खाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना किसी एडवाइस के ऐसी चीजें फॉलो करना ये गलत भी हो सकता है। जी सर, कॉल ले लेते हैं नेक्स्ट। हेलो 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 जी कहिए। हाँ आप, मैं सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी हाँ जी, हाँ पाकिस्तान पे हैं आप, लाइव हैं, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए क्या सवाल है आपका? जी सर, हमें कोविड मतलब फैमिली को ही आई। जी हेलो जी जी सर, सवाल बोलिए आप। आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को कोविड हुआ है? जी पूरी फैमिली पॉजिटिव आई थी। जी जी ठीक। उसके बाद हम लोगों ने आइसोलेशन की जी, तो अभी सिम्टम्स सारे गायब हो गए एक्सेप्ट एक।
कौन सा रह गया? जो मम्मी है उनकी खांसी नहीं जा रही है और जो सिस्टर है उनकी भी नहीं जा रही है। अच्छा, तो सभी के सभी को सभी को आइसोलेशन में 10 दिन हो चुके हैं? जी जी 10 दिन हो गए। देखिए ऐसा है, बड़ा मैं सीधा कहूंगा आपको, जिन लोगों को 10 दिन में कोई अभी जिनके लक्षण नहीं है, बुखार नहीं है, ठीक है, वो खतरे से बाहर है और वो किसी और को इन्फेक्शन नहीं दे सकते, वो सिर्फ 3-4 दिन और रहें ऐसे ही मास्क पहने घर में और उसके बाद में अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपकी जो जो जिनको अभी भी खांसी है, ठीक है, उन लोगों को अभी फिलहाल आपको और आइसोलेशन में रखना पड़ेगा और आप उनको कोई दवा दे रहे हैं जी। उनके लिए आप अगर 10 दिन के बाद भी अगर उनको बुखार या खांसी रहती है तो आप टेली कंसल्टेशन पे डॉक्टर से राय लेके उनका जो है उनकी राय लीजिए और फिलहाल उनको अभी आइसोलेशन में रहने दीजिए जी। बाकी लोग देखिए, कुछ लोगों में जो 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 बुजुर्ग होते हैं या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, कोई बीमारी होती है, उन लोगों में लक्षण को जाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। जो जो जवान जो होगा, जो यंग होगा, जो बच्चा होगा, उनको लक्षण कम होते हैं और वो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों में आमतौर से देखा गया है कि लक्षण थोड़ी देर से जाते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़ा उनको वक्त लगेगा लेकिन वो भी बाहर आ जाएंगे। वो भी जो 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 मेन टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मामूली सा 4-5 चक्कर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, उनको जाना चाहिए, थोड़ा मन बदलता है और थोड़ी सी फिजिकल जो एग्जर्शन भी इसमें अच्छा हेल्प करती है, आप उनको अलाउ कीजिए, जरूर कीजिए। कोई बात नहीं, लीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई कोई मनाही नहीं है, लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, जो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कोविड जब नहीं करता, उसमें लक्षण नहीं आते हैं, ये लोग बड़े बड़े आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अच्छी बात है, ये मुबारक है। हाँ, आइसोलेशन करना है, लेकिन कोविड पॉजिटिव आया, लक्षण है या नहीं है, 10 दिन का आइसोलेशन करना ही करना है। वो इसलिए करना है कि अगर उसको लक्षण नहीं है लेकिन वो एक से दूसरे को, अपने से दूसरे को वायरस दे सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है। आइसोलेशन जो है आपने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बचाने के लिए करना है, तो अगर उसको सिम्टम नहीं भी है तब भी आपको आइसोलेशन करना है। तो चलिए, अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Government of Jammu and Kashmir. This is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 12th May 2021, a total of 4,509 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,715 cases from Jammu Division and 2,750 from Kashmir Division. Moreover, 3,603 people have recovered. Also, 65 COVID deaths have been reported, which includes 46 from Jammu Division and 19 from Kashmir Division. Over the last 24 hours, a total of 43,916 COVID tests were conducted across the UT, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the total availability of 5,120 level 1 and level 2 beds, 3,159 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,05,370 cubic meters of oxygen shall be made available. It is pertinent to mention here that 3 oxygen generation plants, each of 750 LPM capacity, were successfully commissioned at GMC Kathua today. With regards to the ongoing COVID vaccination drive, a total of 11,875 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated in the whole UT to 27,69,508. In the 45 years and above age group, 61.28% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available through the eSanjeevani portal, and emergency ambulance services are available for free around the clock through the 108 helpline. Thank you. COVID ki dusri wave se bache. मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए, ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ लास्ट ईयर 2020
28th of July मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ले, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इंसान मरने के कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है, और जहां हम कोविड की बात कर रहे थे किस तरीके से आपको जो इलाज है वो कैसे करना है और होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उन्हें किस प्रकार के एहतियात जो है वो बरतने हैं, तो वही सर जहां हम ये बात करते हैं, लेकिन वहीं पे कितना ज़रूरी है कि जहां पे आइसोलेशन तो हम घर पे इस समय कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर जैसे 10 डेज मिनिमम बताए गए हैं, उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अभी भी मुझ में वो सिम्टम दिखते हैं, तो क्या उसे इमिजिएटली बाहर जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए थोड़े और दिनों के? नहीं, देखिए ऐसा है कि होम आइसोलेशन में अगर जो 5 दिन तक अगर आपके जो लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो अच्छी बात है जी। लेकिन अगर 5 डेज के बाद भी अगर आपके होम आइसोलेशन में लक्षण परसिस्ट करते हैं, बुखार कम नहीं होता, खांसी कम नहीं होती या बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, या और ऐसे कोई सिम्टम आते हैं, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है या एसपीडू लेवल ड्रॉप करना शुरू कर देता है, उस केस में आपको डॉक्टर की जो राय है वो लेनी ही लेनी है। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर की जो राय है वो लेनी ही लेनी है, और डॉक्टर की जो राय है वो लेना भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो वहीं पे बिना डॉक्टर की राय लिए अगर हम बात करते हैं कि जो लोग हैं वो खुद से ही इलाज करते हुए नज़र आते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था कि खुद से ही अपना इलाज करते हुए नजर आते हैं, तो वो कितना घातक होता है उनके लिए या मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड। देखिए जो चीज़ कोई बीमारी जो है वो उसका जो सही जो असेसमेंट है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन हमने जैसे बार बार हम बता रहे हैं कि उसमें उल्टा नुकसान होता है, अपनी मर्जी से दवाई लेना और अपनी मर्जी से ऑक्सीजन लगाना या डिले करना अपना एक एक्सपर्ट केयर को, ये ठीक चीज़ नहीं है और इसका नुकसान भी देखा गया है। कुछ चीज़ें जो हैं हमें इवन जो होम आइसोलेशन जब हम बात करते हैं तो आपका कोशिश करना चाहिए कि एक ताबून रखें किसी डॉक्टर के साथ में। बेशक आजकल OPDs नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अलग अलग जगहों पे टेली कंसल्टेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। डॉक्टरों के नंबर्स, OPDs के नंबर आपके व्हाट्सएप के चैनल्स में, आपके अखबारों के वहाँ पे दिए होते हैं, तो आप किसी भी स्पेशलिटी से के लिए अपनी जो भी आपकी क्वेश्चन है, जो भी आपकी एडवाइस है, होम आइसोलेशन में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उनकी एडवाइस के साथ ही आपको चलना चाहिए। और अगर जब भी लगता है कि कुछ अलर्ट साइंस आपको हैं घर में रहते रहते ड्यूरिंग आइसोलेशन, तो इमिडिएटली आपको हॉस्पिटल की केयर की जरूरत पड़ती है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि हॉस्पिटल की जब जरूरत पड़ती है तो आपको जाना चाहिए, तो वही ये भी बात आती है कि बहुत से लोग जो है वो डरते हैं कि जिस तरीके से अगर हम बता देंगे तो वो जो खौफ है उसे कैसे कम करें, क्योंकि देखिए जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आएगा उसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि जहां हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेटेड थे उनमें भी उनकी भी डेथ हो जाती है। देखिए खौफ का सबसे सही जो सोल्यूशन वो है कि राइट इन्फॉर्मेशन। डर तभी होगा जब सही जानकारी नहीं होगी। जिसको मालूम है कि फैक्ट क्या है, साइंस क्या है, वो डरेगा नहीं। उसको मालूम है कब मुझे क्या चीज़ करनी है,
और आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे ये मुहिम है, ऐसे बड़े सारे इनिशिएटिव हैं जिसमें कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक जो जानकारी है, सही जानकारी है, जो सही एडवाइजरी है वो पहुंचे, ताकि उनको मालूम चले कि किस बात से डरना नहीं है और कब उनको अलर्ट होना है और कब उनको एक सही जो हेल्थ केयर जो है वो सीख करनी है हॉस्पिटल जाके। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कहिए। हेलो, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है किसी का। तो वहीं पे बहुत ज़रूरी है कि हर किसी का डॉक्टर के साथ टचअप में रहना, और जिस तरीके से मैंने पहले आपसे पूछा कि घरेलू नुस्खे जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि खान पीन का ध्यान इस समय रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी मेंटेन करने के लिए। जो चीज़ें हम सेवन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो हेल्दी हो। जैसे पहले की बात करते हैं सर, पहले मोस्टली हम घर का खाना पसंद करते थे, जैसे पल्सेस होगी, अलग अलग किस्म की दालें होगी वो खाना पसंद करते थे, या वैरायटी ऑफ फूड होता था, लेकिन जो भी वो फूड होता था वो हेल्दी होता था। तो उस चीज़ पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे, आपको कोरोना को छोड़ के अलावा कोई और भी बीमारियों की हम बात करें उस वो भी आप तक ना पहुँचे। कोविड हो या कोई और बीमारी हो, बीमारी तभी होती है जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, या जो आपका जो पैथोजन है वो नया है कोई, जैसे कि कोविड है। बेसिकली अगर हम कोविड की बात करें तो हमें कोविड से बचने के लिए भी इम्यूनिटी चाहिए और कोविड होने के बाद इसे निकलने के लिए भी इम्यूनिटी चाहिए। और इसके लिए जितने भी एफर्ट्स हैं वो हम लोग यही कहते हैं कि जो होलसम डाइट जो होती है, वो जो जो पौष्टिक खाना है, छोटे छोटे वक्फे पे खाओ, ज़्यादा मत खाओ, अपना जो खाने का इंटरवल है उसको बढ़ा लीजिए, प्रोटीन्स की ओर ध्यान दीजिए। प्रोटीन जो होते हैं ये जो आपको एनर्जी देते हैं, ये आपको रिकवरी को फास्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडरेट रखिए और फैट्स को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। फैट्स जो होते हैं, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, ये ऐसी बीमारियों में जो अपना रिकवरी के लिए ठीक नहीं है, इनको फिलहाल सेवन कम करें। जो पैक चीज़ें आती हैं, टिन फूड आता है, जो जो आपके ड्रिंक्स आते हैं जो कैन में आते हैं, वो फिलहाल जो वो उनका सेवन ठीक नहीं है। इसमें पानी जिस भी मात्रा में पी सकते हैं, जिस भी फॉर्म में पी सकते हैं, अपनी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एक रिकवरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रेशन आप अपनी जैसे भी आप अपना जो वाटर इंटेक बढ़ा सकते हैं, वाटर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, वो इसमें बहुत बेनिफिशियल रहती है। और साथ ही साथ में इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं, जो मल्टी विटामिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का बड़ा अच्छा रोल है, फ्रूट्स लेने चाहिए जो भी उसको ले सकता है। ये सब चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा जो 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 हमारा जो इस बीमारी से बचने का भी साधन बन सकते हैं, और अगर हो जाता है तो उसे निकलने भी हमारे जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, कहिए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलिए, क्या सवाल है आपका। हेलो, तो बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उसके बाद देखा ये गया है कि कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, खान पीन में रुकावट सी आ जाती है, क्या कोई पेशेंट अगर मना कर रहा है कि उसे नहीं खाना है, उसका अटेंडेंट अगर उसे ज़बरदस्ती खिलाता है, क्योंकि बॉडी में जब तक आपके कुछ अनाज का हम कह सकते हैं थोड़ा सा भी पोषक तत्व जो है नहीं जाएगा, तब तक आपकी जो बॉडी है वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती, क्या उसे हम ये कह सकते हैं फोर्सफुली खिला। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए बीमारी में अगर घर की बात हो रही है तो घर वाले चाहेंगे कि उनका जो मरीज़ है वो जल्दी रिकवर करे और वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में ये भी हम मानते हैं कि बीमारी में खासकर कोविड 19 में टेस्ट आपका जो है टेस्ट बदल जाता है, आपकी स्मेल जो है उसकी कैपेसिटी बदल जाती है, ख़त्म हो जाती है वो, लेकिन वो टेम्परेरी फेस होता है, दोनों सेंसेस जो हैं वो वक्त के साथ में वापस जो है ये अपना रिकवर हो जाती है। लेकिन उस पीक टाइम में हो सकता है कि उनको खाने का मन ना करे, तो इसमें फैमिली का बड़ा रोल है कि थोड़ा सा इनोवेटिव हो जाएं और कुछ जो चीज़ें हैं वो एक इनोवेटिव तरीके से उसको दें जो वो जो पसंद करे या जो उसकी चॉइसेस हैं या वो जो ले सकता है आराम से, तो फोर्सफुली नहीं मतलब करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बनाइए अपना अपना एक नया ये फेस रहता है इसमें। हमने देखा कई लोग कोविड में बड़ा अच्छा खाना बनाना सीख गए, तो ये एक टाइम है एक जब आप अपने आप एक रूटीन से निकल के कुछ नया कर सकते हैं और अपने पेशेंट की अपने जो भी आपके
अपने डियर एंड डियर हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। जी सर, कॉल ले लेते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप ये टाइम टू टाइम बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, तो उसी के साथ साथ कॉल उठा लेते हैं सर। हेलो हेलो, जिस तरीके से आपने तमाम ये चीज़ें कही, कितना ज़रूरी है इस समय इनको बरतना और साथ ही साथ अपना और जितने भी अपने परिजन हैं उनका ख्याल रखना, क्योंकि इस समय ये जो पैंडमिक है या जो कोरोना है ये किसी उम्र को देखकर या जात पात को देखकर नहीं फैल रहा है, ये हर एक इंसान को हो रहा है। इसमें मैं एक जो बात बताना चाहूँगा, चाहे फर्स्ट वेव थी या सेकेंड वेव थी, आज भी कोविड में हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है जो हमारे घर में एल्डर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, आज भी वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस वायरस से, इस नए वायरस से जो जो वेरिएंट है जो कि ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और हम ये, मैं आपके थ्रू एक बार फिर से ये चीज़ का एहसास दिलाना चाहूँगा कि आज हर एक देश के अलग अलग भागों में लॉकडाउन है या कर्फ्यू, जो आप कह लो उसको, कर्फ्यू लगा हुआ है। इनडायरेक्टली ये इशारा है या आपको एक मैसेज है कि थिंग्स आर नॉट राइट। जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर में बैठिए। जो काम आप घर से बैठ के कर सकते हो, अगर आप अपने घर से बैठ के अपना ऑफिस चला सकते हो, अगर आप बैठ के अपने घर से ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हो, तो वो प्रेफर करो। इस समय घर से बाहर निकलने का मतलब है कि आप, अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क है जी। इसलिए अगर आपको निकलना है तो पहले आपको फॉलो करना है जो एडवाइजरीज हैं, चाहे वो मास्क है, चाहे वो आपका सोशल अपना डिस्टेंसिंग है, चाहे वो हैंड हाइजीन है, ये आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम करते हैं। तीनों मिलके और भी कम करेंगे, तीनों फॉलो करेंगे एक साथ में और भी कम करेंगे। और जब आप वापस घर शाम को, आपको जब आप घर में वापस जाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी फैमिली की सेफ्टी बेसिकली आप पे डिपेंड करती है। तो अगर आप किसी कारण घर से बाहर निकलते भी हैं तो ये आपके ऊपर एक लाजमी है कि आप अपनी फैमिली की हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। और जब आपने घर में निकलना है तो आपने आपको सैनिटाइज करना है, और आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि आपकी फैमिली वाले आपके थ्रू इन्फेक्ट हो पाए। तो और जो एल्डर्स हैं उनको भी चाहिए कि फिलहाल जितना हो सके, अभी ये जो पीक ट्रांसमिशन जो है इसके, इसमें अपने घर के अंदर रहिए और अपने आप को एक अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। और फिलहाल जो घर से बाहर जाते हैं और जो शाम को वापस आते हैं उनके साथ में थोड़ा सा उनका जो इंटरेक्शन है वो अभी ना रहे तो बेहतर है। जी सर, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, कहिए, सुन रहे हैं आपको? हाँ सर। क्या सवाल है आपका? जी जी कहिए। सर, मेरे भाई का आज से 12 दिन पहले पॉजिटिव आया था। जी हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। तो उसने टेस्ट करा, उसका नेगेटिव है। कितने दिन के बाद टेस्ट करवाया? कोविड का। कितने दिन के बाद टेस्ट करवाया? 12 दिन के बाद। देखिए, और अभी क्या उनको कोई लक्षण है, कोई बुखार खांसी वगैरह कोई तकलीफ है? नहीं सर, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए, अभी वो जो है कोविड जो है, अगर उनका नेगेटिव भी आ गया तो इसका मतलब है कि वो किसी को, वो खुद भी नेगेटिव है और वो किसी को कोविड दे भी नहीं सकती हैं। और अगर वो ठीक हैं तो एक या दो दिन और वेट कर लें वो, और उसके बाद में अपना जो नॉर्मल लाइफ है उनकी वो अपने शुरू कर सकती हैं। डरने वाली बात नहीं है। दो तीन दिन और वेट करें? जी हाँ, कम से कम 14 दिन का हम लोग जो टाइम जो है वो देखते हैं। 14 डेज के बाद में वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जो है वो चालू, वो शुरू कर सकती हैं। ओके जी जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हैं, और लोग ये देखने वाली बात है कि आप समझ चुके हैं कि इस पैंडमिक के चलते हुए एहतियातों को बरतना कितना ज़रूरी है। तो वही सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कहिए। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर जी, कहिए, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा बेटा है जो 18 साल का है, उसका सैटरडे को हमने ये आरटीपीसीआर टेस्ट किया था। जी जी। तो उसका कल पॉजिटिव आया वो। जी। तो उसको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया है, दवाई वगैरह भी ला दी है। ठीक ठीक। बाकी प्रिकॉशंस हमारे लिए क्या है बता दीजिए। देखिए, आप एक काम कीजिए, सिर्फ एक आदमी घर में ऐसा रखिए जो उसके साथ में उसकी सेवा करे, उसको सामान ला के दे, जो उसको जरूरत है वो उसको दीजिए, सारे के सारे ना मिलिए उसे, उसको होम जो आपने रखा है उसको अलग से, कोई भी एक आदमी जो है आप उसको काम पे लगा दीजिए कि जो उसकी जरूरत पूरी करे। और आपने उसको सारे नहीं, उसकी मामा और उसका भाई आया था जी। ठीक है, आप
आपने आपने उसको समझाना है कि उसको आपने एक थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर देना है, उसको आपने समझाना है कि उसने अपना बुखार बार बार देखना है 4-4 घंटे के बाद में, और पल्स ऑक्सीमीटर भी देखना है, और इसकी रीडिंग आपको बतानी है उसको, उसने आपको बार बार बताना है कि क्या उसका बुखार कितना आ रहा है, और उसको कोई और दिक्कत तो नहीं है, और अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो फिर आपका फर्ज है कि उसको डॉक्टर के साथ में ताबून रख के उसको बताइए कि क्या करना है, आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसको बताना है कि क्या मॉनिटर करना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनका भी ये सवाल था कि कैसे मॉनिटरिंग करनी, इससे मेरा भी एक सवाल ये उठता है कि जब घर पे कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, अक्सर अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं, वहीं से नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं मैं आपका। हेलो, तो मेरा सवाल ये था कि अगर कोई छोटी उम्र का यानी कोई बच्चा जो है कोरोना पॉजिटिव आता है, तो मदर जो है उसे दूर नहीं कर सकती क्योंकि उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो उतने में जो उनका ख्याल रखेंगे उन्हें किस तरीके से एहतियात बरतना ज़रूरी है, और ख़ासकर अगर पूरी फैमिली में 5 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 लोग ही उनके साथ जुड़ जाए क्योंकि उनमें भी वो जो करोना है वो फैलने के उतने ही चांसेस हो सकते हैं। तो वही सर, इसका जवाब देने से पहले मैं चाहूँगी कि एक कॉल उठा लें। हेलो जी, हेलो जी, कहिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल बोलिए, अपना सवाल क्या है आपका, बताइए सवाल क्या है आपका। ओके, हाँ बोलिए, ठीक है, सुन रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है, गले में क्या लग रहा है? थोड़ा गले में लग रहा है, खराश लग रही है आपको गले में? आप इसके अलावा कोई और लक्षण, कोई बुखार वगैरह कुछ हो? आप घर में रहते हैं? हाँ। बाहर तो नहीं गए कहीं पे, या आपके घर में कोई बाहर से आया? हाँ। आप एक काम कीजिए, अपने माता पिता को बोलिए आपको स्टीम दें, स्टीम शाम को, ठीक है, और आप अपने आप को देखते रहिए कि आपका ये, अगर ये एक दो दिन में ठीक नहीं होता तो फिर आपको डॉक्टर की जांच करनी चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए। फिलहाल अभी मेरी मदर को मैंने टेस्ट किया, मेरा नेगेटिव निकला। अच्छी, गले में रह गए बुखार बुखार। देखिए, अगर ये लक्षण आपकी मम्मी को जब पॉजिटिव आया था तो आपने टेस्ट कब करवाया उसके बाद? ठीक है, तो ठीक है, आपको कोविड नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसे लक्षण रहते हैं और भी इसमें अगर बढ़ते हैं अगर, ये तो उसमें एक बार आपको डॉक्टर से जांच करके आपने करवानी चाहिए। जी जी, ओके। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से मेरा ये सवाल था कि जो अटेंडेंट है या घर का जो परिवार का एक सदस्य, उसे एक को ही उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि वो तमाम चीजें उस तक पहुंचा सके। अल्टीमेटली जो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमने रिस्क को कम से कम रखना है, तो अगर एक आदमी को जाके सारे सुबह शाम जाके मिलते रहेंगे तो वो सबको चांसेस हैं, तो एक हम यही एडवाइस करते हैं किसी भी घर में एक सयाना आदमी जो है, अगर कोई बुजुर्ग है तो एक आदमी उसके साथ में जुड़ जाए और उनके साथ में फोन से रब्ता रखे, या उनको जो भी चाहिए वो आदमी उनको देने के लिए जाए, खाना देने के लिए जाए, कुछ और चाहिए वो दे के जाए, सबके सब जो है उनकी सेवा में ना लगे और एक आदमी को काम करने दे। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी कहा कि सबके सबको नहीं रखना चाहिए, अगर वही बात करते हैं जैसे न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है, चाहे 1 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, तो बहुत जरूरी है कि जो मदर है वो उसके साथ ही रहेगी कि उसे फीड करवाना है, तो क्या उस मदर को भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए, बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरे होम आइसोलेशन में एक यही एक ऐसा यूनिक केस है जिसमें हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव को अलाउ कर देते हैं जी। तो अगर माँ पॉजिटिव है तो वो अपने छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, यानी कि डबल मास्किंग, और कोशिश करें कि जिस रूम में वो है उसकी वेंटिलेशन अच्छी हो जी। और अगर माँ पॉजिटिव नहीं है, बच्चा पॉजिटिव है, तब भी वो खुद मास्क पहन के अपनी सेफ्टी करके अपने बच्चे को ब्रेस्टफीड कर सकती हैं। जी सर, वही नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। तो
बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि यही एक ऐसा केस है जिसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव केसेस दोनों रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो प्रिकॉशंस है जिस तरीके से मास्क और वैक्सीनेशन इस समय हम कह सकते जी हैंड सैनिटाइजेशन भी। तो सर वही नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल प्रिकॉशंस लेना उतना ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ जहाँ हम बात करते हैं कि डाइट को लेकर हमने चीज़ें कही, आपने उसमें से कहा कि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज़्यादा वाटर जो है वो एलो नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि किसी को अगर कोई रीनल इशू है कई कई बार भी मनाई भी होती है उसके। देखिए ये एक रेयर केसेस होते हैं, कुछ अलग से ऐसे केसेस होते हैं, तो इन केसेस में इन लोगों को चाहिए कि अब अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है तो जो उनका ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसकी सलाह लेके ही इसको फॉलो करें ऐसी चीजों को, तो बेहतर रहेगा। जी हेलो। जी सर। जी सर बोलिए। जी जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। डॉक्टर साहब, ये मुझे 12 दिन हो गए हूँ आइसोलेशन में। जी। बाकी सारे सिम्टम्स तो चले गए हैं। जी। चेस्ट में कंजेशन बहुत है और थोड़ी सी खांसी भी आ रही है, और जो ये जो है ऑक्सीजन लेवल भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो 90, 91, 92 तक चल रहा है। नहीं देखिए, ये सिम्टम्स तो ठीक नहीं है। आपको हम एडवाइस करेंगे कि आपको हॉस्पिटल में जाके एक बार अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। 10 दिन के बाद में यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं ये रिकवर कर जाते हैं माइल्ड केसेस में, लेकिन अगर ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं, खासकर आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, तो इस केस में डेफिनेटली ये एक अलर्ट साइन है। हम आपको एडवाइस करेंगे कि हॉस्पिटल में जाके अपनी पूरी जाँच करवाइए, और अगर वहाँ कुछ जरूरत पड़ती है तो फिर वो आपको बताएंगे क्या करना है। जी 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 बिल्कुल वही मेरा ये भी सवाल है कि योगा की बात करते हैं, योगा हिंदुस्तान से ही गया है, आज फॉरेन कंट्रियाँ इन्हें अडॉप्ट करती है, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं भूल रही है, लेकिन अब वापस आ चुकी है। योगा कितना इफेक्टिव है, लेकिन खासकर जहाँ हम कह सकते हैं एक पूरा आपको गाइडलाइंस होनी चाहिए कैसे योगा को करना है, क्या वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने आप को हेल्दी रखने का? जैसे डाइट की तो हम बात कर रहे हैं, वॉक इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर योगा की बात करते हैं जैसे, वो कितना इफेक्टिव रहता है? देखिए, योगा हम लोग हर साल नेशनल योगा डे बनाते हैं। पर्पज़ यही है कि ये जो हमारी जो कंट्री की जो ये धरोहर है, इसको हम दोबारा से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। फ़ायदा जो है उसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। योगा में ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं, खासकर कोविड में आपको राहत दे सकती हैं। तो ऐसी जो ब्रीदिंग के जो आसन हैं हम रिकमेंड करते हैं कि वो आदमी को करने चाहिए, ये असिस्ट कर सकते हैं आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी जो आपकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। इनफैक्ट जो योगा करते हैं उनमें भी फायदा देखा गया है कि ये लोग ऐसी जो बीमारियों को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं और रिकवर हो जाते हैं। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने योगा कहा कि बहुत इफेक्टिव है, अक्सर अब लोग जो है वो अवेयर भी हो चुके, क्योंकि सर वही बात करते हैं जिम की, जिम मोस्टली बॉयज जाते थे पहले, लेकिन अब लड़कियां भी वहां का रुझान कर रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप हेल्दी तो रहते हैं, डाइट भी लेते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं होता है। एज कम्पेयर टू अगर हम जिम की बात करें, योगा की बात करें, किस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, और दोनों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, कि हमें योगा की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए या जिम की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए? ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं नहीं इसमें इसमें हमको जनरिकली कह नहीं सकते। कुछ एज ग्रुप्स हैं वो योगा को प्रेफर करते हैं, कुछ पर्टिकुलरली जिम को प्रेफर करते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज फिटनेस इन एनी फॉर्म इज वेलकम। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसकी अप्रोचेज अलग अलग हो सकती हैं, पर एनी प्रोसेस विच मेक्स यू नो मेक्स अस ए हेल्दी पर्सन एंड यू नो हेल्थ इज नॉट ओनली बॉडी, इट इज अ कंप्लीट वेलबींग। आपका माइंड जो है, आपका जो फिजिकल बॉडी है, इसका जो संतुलन है, इसका जो बैलेंस है, जो होलिस्टिक जो आपकी जो वेल्थ है वो आपकी हेल्थ ही है। तो कोई भी तरीका हो, मुझे लगता है इसमें हमें किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है कि वो बेटर है। मोस्ट इज यू नो ऑल आर वेलकम व्हिच लीड अस टू ए हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल जी। वही सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर ये मैंने सर्जरी की है, प्रोकोडेसिस की, दिल्ली में 2014 में। ओके।
तो मेरा सवाल यह है कि इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन कैसे करूंगा? क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइम मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखिए सर्जरी की है। ओके ओके ओके, तो आप आपकी सर्जरी हुई है और आपका सवाल है कि आप अपने आप को कोविड 19 से कैसे बचा सकते हैं, राइट? देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए आपने अपना जो खान पान है, अपना जो इम्यूनिटी है, क्योंकि कैंसर के बाद ये जो अपनी सर्जरीज के बाद में थोड़ा सा आपका ड्रॉप आता है, आपका जो बॉडी का जो आपका इम्यूनिटी होता है, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। अपना रिस्क जो है, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम, किसी भी जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपना गैप रखिए, और जो क्राउडेड जगह होती है यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, काफी देर तक जो यहाँ पे होते हैं वहां पे मत जाइए फिलहाल। ये सब चीजें आपका जो रिस्क है कोविड 19 से कम कर सकती हैं, और अपनी खुराक पे जो है खास ख्याल रखिए। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, और उम्मीद यही रहती है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझे और जो चेन बरकरार है उससे भी तोड़े, क्योंकि अब ये भी देखने को मिला है केसेस में अब कमी आने लगी है, लोग समझ चुके हैं कि कोरोना महामारी कितनी घातक है। तो भाई सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से दर्शकों आपको हमने तमाम सवालों के जवाब भी दिए, यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसते खेले खेलते निभाइए, और ये कोशिश करिए कि हमारी वजह से किसी को कोरोना ना हो और हमारे तक ये ना फैले। उसके लिए तमाम जितने भी एहतियात सर ने आपको बरतने के लिए कहे हैं उन पर अपनी निगाहें रखिए, और खासकर जहां डाइट को लेकर इस समय बात चल रही है, योगा के लेकर बात चल रही है, मकसद सिर्फ यही होना चाहिए, चाहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की बात करते हैं, कि अब हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी डाइट हम लेते हैं, चाहे हमारे घर में बुजुर्ग है, उन तक हेल्दी फूड पहुँचाइए, और अपना और अपने परिवारों का जो है वो ख्याल रखिए। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।